दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में भाई की जान बचाने आई दो सगी बहनों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पाली, जोधपुर और नागौर में तूफान और भारी बारिश का रेड अलर्ट। जालौर में पांचला बांध टूटने से बाढ़ का खतरा। सिरोही में बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संयुक्त राष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ 180 देशों की बड़ी हस्तियां भी न्यूयॉर्क में होने वाले कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ये मोदी आज करेंगे मन की बात, रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से भी करेंगे संवाद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बंगाल और पूर्वोत्तर का दौरा। पश्चिम बंगाल के बाद डोगरा में सुनेंगे पीएम मोदी की मन की बात। सिक्किम के नामची और असम के शिवसागर में जनसभा। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप से धर्मांतरण मामले में जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी शहनवाज और बद्दो के पास 6 ईमेल का डेटा हुआ बरामद। ईमेल के लिंक पाकिस्तान से जुड़े होने का शक। चौथे नेशनल वाटर अवार्ड में नेटवर्क 18 को बेस्ट मीडिया कैटेगरी के मिशन पानी कैंपेन के लिए किया गया सम्मानित। नेटवर्क 18 की पानी बचाने की मुहिम की जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने की। नेटवर्क 18 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, यहां से श्री जाका जैकब और किशोर आसवानी मौजूद हैं। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर वन भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया। वो आए बंदे यहाँ पे गोली चलाने लगे, कोई बात ना ठीक हुई।